वीकेंड का वार आने वाला है आज। सलमान खान बहुत गुस्से में लग रहे हैं, बिल्कुल भी खुश नहीं लग रहे हैं, क्योंकि घर का माहौल बहुत ज़्यादा बहुत गाली गलौज से भर चुका है और सलमान को लग रहा है कि निहायत ही बदतमीज़ हो गए हैं कंटेस्टेंट। उन्होंने ज़ोरों की फटकार लगाई है कंटेस्टेंट्स को, स्पेशली अर्शी खान की। तो उन्होंने जम के क्लास ली अर्शी खान को। उन्होंने बोला कि विकास गुप्ता के साथ उन्होंने जो भी किया उन्हें कोई हक नहीं बनता किसी के भी माँ या बाप को उल्टा सीधा बोलने का। और सलमान ने बोला कि अगर वो मेरी माँ को भी ऐसा बोलते तो शायद मैं भी वैसा ही रिएक्शन देता जैसा विकास गुप्ता ने दिया है। तो देखा जाए तो घर वाले अर्शी के खिलाफ हैं, लेकिन बिग बॉस ने निकाला है घर से बाहर विकास गुप्ता को, अर्शी को नहीं। लेकिन अर्शी अभी भी घर में मौजूद है और सलमान ने उनको ये भी बोला कि आप बहुत ज़्यादा बदतमीज़ और बहुत डिसरिस्पेक्टफुल हो चुकी हैं, आपको शब्दों का इस्तेमाल करना नहीं आता। वहीं अर्शी अपनी गलती मानने की बजाय वो कर रही हैं पलटवार, सलमान के ऊपर निकाल रही हैं वो गुस्सा भड़ास, और उनका जो एटीट्यूड है, जो उनकी बॉडी लैंग्वेज है, वो कहीं से भी ये नहीं लग रहा है कि उनको कोई शर्मिंदगी महसूस हो रही है अपनी गलती पे। वो बिल्कुल वैसे ही रिएक्ट कर रही हैं जैसे वो घर वालों के साथ करती हैं, जैसे कि सामने सलमान नहीं कोई आम कंटेस्टेंट खड़े हों, तो वो बिल्कुल बदतमीज़ी दिखा रही हैं। तो सलमान को बोलती हैं कि मुझे नहीं रहना इस शो में और मैं जा रही हूँ, और वो जाती भी नहीं एज़ यूजुअल, वो सिर्फ शो ऑफ कर रही हैं जाने का, और वो घर में ही मौजूद है, वो वापस आके बैठ जाएंगी। अब ये बड़ी बेशर्मी की सी बात है कि वो बैक टू इतना बोलने के बाद, सुनने के बाद, इतना इंसल्ट लेने के बाद वापस घर में आ रही है। तो सलमान ने बहुत गुस्सा किया। वहीं अली कोनी पे ब्लास्ट हुई निकी। निकी ने ये बोला कि जब मैंने जैस्मीन को छोटी सी गाली दी थी तो उन्होंने घर के बाहर जाके मेरे खिलाफ़ बहुत कुछ लिखा था, बहुत उल्टा सीधा बोला था, लेकिन जब मुझे गाली मिली राखी सावंत से गंदी गंदी वो भी ढेर सारी, तो अली गोनी जो थे वो ज़ोर ज़ोर से हंस रहे थे। और ना सिर्फ अली गोनी, घर के बहुत से मेम्बर्स भी हंस रहे थे। तो अली ने बोला कि जब ये लड़की खुद अपना स्टैंड नहीं लेती है तो हम क्या करें, और जिस वे में राखी ने गालियाँ दी उस समय हम सब लड़कों को बहुत हंसी आई। तो सलमान ये सब सुन रहे थे, उन्हें बहुत गुस्सा आ रहा था इस चीज़ को सुन के कि घर का माहौल बेहद ख़राब हो चुका है, राखी ने बहुत भद्दे पर्सनल कमेंट किए हैं निकी और मनु के रिलेशन को लेके, बहुत उल्टा सीधा बोला है जो मैं शायद बोल भी नहीं पाऊँगी आपको इस वीडियो में, आप खुद देख सकते हो। और उन्होंने यहाँ तक भी बोला कि इतना ज़्यादा गंदगी इस घर में हो गई कि अब इन सबको तमीज़ का डोज देना बहुत ज़रूरी है। तो उन्होंने एक टास्क रखा तमीज़ का डोज कि किसको इस समय तमीज़ की ज़रूरत है। तो रुबीना दिलेक को देखा गया, उन्होंने अर्शी का नाम लिया और अर्शी वहाँ से भागती हुई नज़र आई, और सलमान ने बोला कि जाओ उनके पीछे पीछे और जाके ये डोज उनको दो। वहीं राहुल महाजन ने राखी सावंत को तमीज़ का डोज दिया कि ये चाहे मेरी कितनी भी अच्छी दोस्त हो लेकिन ये कहीं ना कहीं कुछ ऐसा कर देती हैं जो कि बहुत ज़्यादा एक बदतमीज़ी के लेवल पर आ जाता है। तो राखी सावंत भी ब्लास्ट होती है कि भाई तुम मेरे दोस्त नहीं हो सकते, अगर तुम मेरे दोस्त होते तो तुम ये नहीं करते, और मेरी दोस्ती टूट रही है और हमारे बीच में ये आ रहा है वो आ रहा है फलाना फलाना, राखी अपना रिएक्शन देती हैं। और बहुत सारे लोग जो हैं वो अर्शी को ऑब्वियसली डोज देंगे क्योंकि अर्शी बहुत ही निहायती बदतमीज़ नज़र आ रही है घर में, और सलमान का गुस्सा पूरी तरीके से उन पर ब्लास्ट होगा। कौन किसको देगा तमीज़ की डोज, और सलमान खान क्या इस बार किसी की तारीफ़ करेंगे, या इस बार सब कंटेस्टेंट उनकी रडार पे हैं और उनसे डांट खाएंगे, ये तो वीकेंड का बार में हमें ज़रूर पता चलेगा। लेकिन अली और निकी का झगड़ा देखने को मिलेगा, अली ब्लास्ट होंगे उन पर कि तुम ऐसा बोल रही हो, निकी भी उन पर चिल्लाएंगी, तो ये सब झगड़े होंगे। तो पूरा वीकेंड का बार होने वाला है फुल ऑफ धमाल, मार धार, लड़ाई झगड़ा, हाथों का नहीं ज़बान का। तो ज़रूर इंजॉय कीजिएगा वीकेंड का बार, और बिग बॉस से जुड़ी कोई भी अगली खबर होगी तो वो हम ज़रूर आपके पास लेकर आएंगे। तब तक के लिए बिग बॉस देखना मत भूलिएगा और सिने स्पीक्स भी। नमस्कार।